आज हम बनाएंगे तंदूरी वेज रोल्स। बनाने में बहुत ही सिंपल है और जनरली इसे मैदे का बनाया जाता है। आज हम आटे का भी बनाएंगे और मैदे का भी बनाएंगे। इसकी रेसिपी से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। चलिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच ऑयल यूज़ करेंगे। जब ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें गाजर डालेंगे, ये लंबी कटी हुई है। और आपको अब इसमें डालना है 1 कटोरी प्याज, ये भी बड़ा बड़ा कटा हुआ है। आपको सारी सब्ज़ियाँ इसमें लंबी चॉप चाहिएंगी। और 1 कटोरी इसमें पत्ता गोभी ली है और 1 कटोरी शिमला मिर्च। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 कटोरी स्वीट कॉर्न्स मिलाएंगे और सॉल्ट मिलाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून। ग्रीन चिली सॉस 2 टेबल स्पून। सोया सॉस 1/2 चम्मच। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और आपको ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये ओवर कुक नहीं करनी है, एक हल्का सा क्रंच रहना चाहिए उसमें, तभी आपको रोल में मज़ा आएगा खाने में। तो जब ये हल्की सॉफ्ट होने लग जाए तब आपको फ्लेम बंद कर देना है। सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो चुकी है और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दी लास्ट हम तंदूरी वेज बिरयानी मिलाएंगे 1 से 1.5 चम्मच और इसे मिला के अच्छे से मिक्स करके और फ्लेम को आपको बंद कर देना है। अब हम सबसे पहले मैदे का घोल बना लेते हैं। उसके लिए हम 1 कटोरी मैदा लेंगे और उसमें नमक जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी और पानी को मिला के इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें लम्स ना रहे और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली होती है। अब हम रोल्स के बेस बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसमें ऑयल स्प्रेड करेंगे ब्रश के थ्रू और उसमें फिर हम घोल को मिलाएंगे मैदे के। थोड़ी देर में ये जब पक जाएगा तो अपने आप बॉटम को छोड़ने लग जाएगा, फिर हम इसको पलट के पकाएंगे। तब तक हम अनदर साइड एक आटे का और घोल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें आटे के रोल्स भी बनाने हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और खाने में भी उनको परेशानी होती है कि ज़्यादा मैदा नहीं खा सकते हैं, तो आप आटे के बना लीजिए। तो मैंने यहाँ 5 से 6 चम्मच आटा लिया था, उसमें नमक मिक्स किया और पानी मिला के उसकी ये कंसिस्टेंसी बना ली है। बैटर कैसे है कि बेस्ट कंसिस्टेंसी आप बैक साइड में देखेंगे, अच्छे से चिपक चुका है इसके आटा। आप उंगली चला के देखिए उसमें, तो ये इस तरीके से, दैट मीन्स आपका परफेक्ट घोल बना है। अब वही नॉन स्टिक पैन सेम, उसमें आपको ऑयल स्प्रेड करके और इसमें 2 चम्मच आपको डालना है। किनारों को सेट करने के लिए हमें थोड़ा सा पैन को
इधर उधर हिलाना है ताकि वो सेट हो जाए। जब ये पक जाएगा तो अपने आप ये बॉटम को छोड़ देगा। इस तरीके से हमें इसको पलटना है और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेना है। अब हमें दोबारा से इसको पलट के इस तरीके से अच्छे से दबा दबा के सेक लेना है। थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए इसमें। हम रोल्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम 1/4 टेबल स्पून सिजवान सॉस लेंगे और 1/2 टेबल स्पून वेज मेयोनी लेंगे। तंदूरी वेज मेयोनी है ये। और इसे अच्छे से इस रोटी पे ये बेस जो है इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब हमने जो सब्ज़ियाँ बनाई थी उसकी हम फिलिंग कर लेंगे। इन सेंटर में हम 1.5 से 2 चम्मच इसके अंदर सब्ज़ियों को फिल करेंगे एंड देन हम इसका रोल बना के फॉइल पेपर से आपको इसको कवर कर देना है और गर्मा गर्म विद द कैचअप आपको खा लेना है। बहुत टेस्टी लगेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये मैदे का है या आटे का है।